राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा लाल किले की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे दिखाई दिए हैं अब तक इस भारत जोड़ो यात्रा में, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी भी दिखी थी मैसूर में, और तमाम दिग्गज भी दिखे थे। तो इसी तरह अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो सिनेमा जगत से ताल्लुक रखते हैं या अर्थ जगत से, जो अर्थशास्त्री हैं, तो वो तमाम लोग जुड़े अलग अलग हिस्सों में। कहां कहां से यात्रा अब तक दिल्ली पहुंची है, ये एक लंबा फासला इस यात्रा ने तय किया। कन्याकुमारी से शुरू हुआ ये सफर, तिरुवनंतपुरम, रायचूर, नांदेड़, जलगांव, कोटा, दौसा, अलवर, फरीदाबाद और अब इस वक्त दिल्ली में है। दिल्ली में कांग्रेस समर्थक बड़ी संख्या में दिख रहे हैं और हमारे तीन सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तीन अलग अलग हिस्सों से भारत जोड़ो यात्रा को वो कवर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अर्पिता भी हमारे साथ हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ हैं और सुशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अर्पिता, सबसे पहले आपके पास आते हुए एक बार फिर से, आप बड़ी संख्या में समर्थकों के बीच में शायद ट्रैक्टर पर एक बार फिर से सवार हैं, दृश्य दिखाएं। नहीं, ये ओपन जीप है राजीव, और ये शख्स जो आप देख रहे हैं साथ में, ये आप कहां से लेकर आए? मैं अटरू, बारा जिले का अटरू कस्बे का रहने वाला हूं और मैं महाराष्ट्र के 6 गांव से राहुल जी की यात्रा के साथ चल रहा हूं। यात्रा के साथ चल रहा? बिल्कुल, यात्रा के साथ चल रहा हूं, महाराष्ट्र के 6 गांव से। अच्छा। मध्य प्रदेश मैं भी इसी तरह से गांधी जी के गाने के साथ में चलता रहा और अपनी बात, और ये जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर के राहुल गांधी जी निकले हैं, देश के अंदर अमन, चैन, शांति, भाईचारा रहे, बेरोजगारी कम हो, महंगाई पे लगाम लगे जी। हाँ, चल रहा है, बराबर चल रहा है ना। तो ये कहाँ तक जाके रुकेगा 2024 में जीत के साथ? यात्रा का उद्देश्य जीत और हार नहीं है, यात्रा का उद्देश्य है देश के अंदर अमन, चैन, शांति, भाईचारा कायम हो, यात्रा का उद्देश्य है देश के अंदर बेरोजगारी कम हो, यात्रा का उद्देश्य है देश के अंदर महंगाई कम हो, ये यात्रा का उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को लेकर के मैंने खुद ने अपने निजी पैसों से इस रथ को बनवाया बोलेरो कैंपर के ऊपर। और तो कुल मिलाकर आप लोग कहाँ से आई मैडम? मैं सदर बाजार डिप्टी की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम मंजू जैन है और राहुल जी हमारे नेता हैं। वो मोदी जी चाहे कुछ भी कर ले, 2024 में कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा और आज हम लोग विश्वास के साथ कहते हैं कि जनता वापस कांग्रेस को ही लाएगी, कांग्रेस के बिना जनता का गुजारा नहीं है। मैं हिमाचल से हूँ और ज्ञान चट्टा। तो हिमाचल में जैसे परिवर्तन हुआ है, वैसा लगता है आपको देश में भी होगा? हाँ बिल्कुल लगता है, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये लग रहा है क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो अब ये इस जो यात्रा का जो आगाज हुआ है राहुल गांधी जी ने किया है और उन्होंने जो युवाओं को, महिलाओं को और सभी वर्गों को साथ लेकर चले हैं और साथ में उन्होंने ये ठीक है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं और मान रहे हैं कि परिवर्तन होगा। मौसमी का जल्दी से रुक कर लेते हैं, मैं लौट रहा हूं अर्पिता आपके पास। मौसमी, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्लीज दिखाएं। मैं कैमरा पर्सन सचिन को बोलूंगी कि जरा वो पैन करके दिखाएं कि किस तरह से जाइए वहां पे चढ़िए ऊपर। देखिए बहुत मुश्किल होता है ये कवरेज करना और कैमरामैन को पीछे चलना पड़ता है। अब आपको बेहतर तस्वीर दिखेगी किस तरह से पीछे ये काफिला चल रहा है। अभी हमने अपोलो हॉस्पिटल क्रॉस किया है, अब ये यात्रा एक चाय के ब्रेक के लिए आधे घंटे के लिए रुकेगी और उसके बाद और 1 बजे फिर से शुरू होके इंडिया गेट यानी कि दिल्ली के दिल लाल किले पर खत्म होगी, जहां राहुल गांधी जो गैदरिंग होगी उसको संबोधित करेंगे। पर यहां पे आपको कहीं ढपली की गूंज सुनाई देगी, कहीं ढोल नगाड़े, ठीक है। मौसमी, काफिला है भारत जोड़ो यात्रा का, शायद कांग्रेस जी, ठीक है। मौसमी नजर बनाए रखें आप, अर्पिता आप नजर बनाए रखें, सुशांत आप भी नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए।